खुबा ग्रोथ प्रोमोटर। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसे पौधों के समग्र विकास और विकास को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। जड़ों का विकास। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर जड़ों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों की खपत में सुधार हो सकता है और पौधों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। वानस्पतिक वृद्धि। यह उत्पाद पत्तियों, तनों और शाखाओं की वृद्धि और विकास में सहायता कर सकता है, जिससे पौधों को लंबे और मजबूत होने में मदद मिलती है। फूल और फल। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर पौधों में फूल और फलने को प्रोत्साहित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है और फलों और फूलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। पोषक तत्वों का उठाव। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं, जिससे पौधों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्व पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाते हैं। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रोमोटर का उद्देश्य पौधों की प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रियाओं का समर्थन करते हुए स्वस्थ जोरदार पौधों के विकास को बढ़ावा देना और उपज में सुधार करना है। ग्रोथ प्रोमोटर घटक। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एक पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला उत्पाद है, जिसमें समुद्री शैवाल निकालने, ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड का मिश्रण होता है। अमीनो एसिड प्रोफाइल में एलेलानिन, एलार्जिनिन, एलिस्पर्टिक एसिड, एलसिस्टीन, एलग्लूटामिक एसिड, एल्यूसीन, एललाइसिन, एलसेरीन, एल्थ्रियोनाइन, एल्टायरोसिन, एल्ट्रिप्टोफैन शामिल है। एल्वेलिन, एलहिस्टिडाइन, एलाइसोल्यूसिन, एल्मेथियोनिन, एल्फेनिलेलनिन, एल्प्रोलाइन और एलग्लाइसिन। अमीनो एसिड के अलावा इसमें अन्य लाभकारी घटक जैसे कार्बनिक पदार्थ, एल्गिनिक एसिड, मैनिटोल, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम भी शामिल है। इसे पौधों की वृद्धि, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और उपज बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। संविधान और उनकी गतिविधि। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर की सामग्री में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जो पौधों की वृद्धि, स्वास्थ्य, फूल, कीट नियंत्रण और उपज का समर्थन कर सकती हैं। यहां प्रत्येक घटक की कुछ सामान्य गतिविधियां दी गई हैं। समुद्री शैवाल का अर्क। यह वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन से समृद्ध है, जो पौधे के विकास और विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें खनिज, विटामिन और ट्रेस तत्व भी होते हैं, जो पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ह्यूमिक एसिड। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाकर, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाकर और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देकर मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार कर सकता है। इसमें चेलेटिंग गुण भी होते हैं, जो पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकते हैं। अमीनो एसिड। वे प्रोटीन के निर्माण खंड हैं और पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमिनो एसिड जड़ विकास को बढ़ा सकते हैं, तनाव सहनशीलता में सुधार कर सकते हैं और क्लोरोफिल संश्लेषण में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे बेहतर प्रकाश संश्लेषण और उच्च पैदावार हो सकती है। वे सिग्नलिंग अणुओं के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जो पौधों में विभिन्न चयापचय मार्गों को ट्रिगर करते हैं। कार्बनिक पदार्थ। यह मिट्टी की उर्वरता, संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार कर सकता है, जो जड़ विकास और पोषक तत्वों के उत्थान को बढ़ावा दे सकता है। यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का भी समर्थन करता है, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकते हैं और पौधों के रोगजनकों को दबा सकते हैं।
एल्गिनिक एसिड, यह मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार कर सकता है, जो जड़ विकास और पोषक तत्वों के उत्थान को बढ़ावा दे सकता है। यह पौधे के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकता है और तनाव सहनशीलता को बढ़ा सकता है। मन्नीटोल, यह एक चीनी अल्कोहल है जो पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा सकता है। इसमें ऑस्मोरेगुलेटरी गुण भी होते हैं जो पौधे की तनाव सहनशीलता में सुधार कर सकते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा हस्तांतरण और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम, पोटेशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधों में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जैसे जल विनियमन, प्रकाश संश्लेषण और तनाव सहिष्णुता। यह फलों की गुणवत्ता और उपज में भी सुधार कर सकता है। कैल्शियम, यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कोशिका भित्ति के विकास और संरचना के लिए आवश्यक है। यह सिग्नलिंग पाथवे में भी भूमिका निभाता है, जो पौधों में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सल्फर, यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधों में विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण, क्लोरोफिल संश्लेषण और तनाव प्रतिक्रिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और तनाव सहिष्णुता में शामिल एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कॉपर, आयरन, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। वे एंजाइम गतिविधि, क्लोरोफिल संश्लेषण और तनाव सहिष्णुता में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रमोटर में मौजूद तत्व पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार कर सकते हैं, तनाव सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। वे पौधों के स्वास्थ्य और ताकत में सुधार करके कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। विकास में वृद्धि, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में उन सामग्रियों का मिश्रण होता है जो पौधों के विकास को कई तरीकों से तेज करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उत्पाद में समुद्री शैवाल के अर्क में प्राकृतिक पौधों के विकास हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, जो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और जल धारण क्षमता में सुधार करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों और पानी को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद मिलती है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। वे चयापचय प्रक्रियाओं को विनियमित करने और पौधों में तनाव सहनशीलता बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं। इन सामग्रियों के संयोजन से पौधे की वृद्धि, पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि, फूलों में सुधार और उपज में वृद्धि करने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ जड़ प्रणाली को बढ़ावा देकर उत्पाद पौधों को पोषक तत्वों और पानी को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में भी मदद करता है, जो आगे उनकी वृद्धि और विकास में सहायता करता है। बीज अंकुरण, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीकों से बीजों के अंकुरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उत्पाद में समुद्री शैवाल निकालने, ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड का मिश्रण होता है जो बीजों को अंकुरित करने और बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। समुद्री शैवाल के अर्क में ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन सहित प्राकृतिक पौधों के विकास हार्मोन होते हैं, जो बीज के अंकुरण को उत्तेजित करते हैं और शुरुआती जड़ और शूट विकास को बढ़ावा देते हैं। ये हार्मोन अंकुर शक्ति बढ़ाने और तनाव सहनशीलता में सुधार करने में भी मदद करते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और जल धारण क्षमता में सुधार करता है,
जो बीज के अंकुरण के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। यह बीजों को सूखने से बचाने में भी मदद करता है और उनकी जल अवशोषण क्षमताओं में सुधार करता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड है, जो बीज के अंकुरण और शुरुआती अंकुर विकास के लिए आवश्यक है। वे चयापचय प्रक्रियाओं को विनियमित करने और पौधों में तनाव सहनशीलता बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं, जो बीजों को अंकुरण के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद कर सकते हैं। इन लाभकारी यौगिकों को प्रदान करके खुबा ग्रोथ प्रमोटर बीज अंकुरण दर में सुधार करने, अंकुर शक्ति बढ़ाने और शुरुआत से ही स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जड़े खुबा ग्रोथ प्रमोटर में समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। सबसे पहले ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना में सुधार करने में मदद करता है, जिससे जड़ों को पानी और पोषक तत्वों में घुसना और अवशोषित करना आसान हो जाता है। ह्यूमिक एसिड भी मिट्टी की कटीय विनिमय क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जिसका अर्थ है कि जड़ों को अवशोषित करने के लिए पोषक तत्व अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। दूसरे, अमीनो एसिड प्राकृतिक चेलेटर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक और मैंगनीज को बांधने में मदद करते हैं, जिससे वे जड़ों तक अधिक उपलब्ध होते हैं। तीसरा, समुद्री शैवाल के अर्क में प्राकृतिक विकास हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन होते हैं, जो जड़ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये वृद्धि हार्मोन जड़ों को गहरा और व्यापक रूप से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी से अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रमोटर जड़ों के विकास के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाने में मदद करता है, जिससे स्वस्थ और मजबूत पौधे बनते हैं। वनस्पति विकास खुबा ग्रोथ प्रमोटर में ऐसे अवयवों का मिश्रण होता है, जो पौधों के वानस्पतिक विकास में कई तरह से सहायता करते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन एंजाइम और अन्य आवश्यक अणुओं के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास में शामिल होते हैं। वे हार्मोन के उत्पादन को भी उत्तेजित कर सकते हैं, जो कोशिका विभाजन, बढ़ाव और विभेदन को बढ़ावा देते हैं, जो वनस्पति विकास में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री शैवाल के अर्क में पौधे के विकास नियामक होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन, जो कोशिका के आकार और संख्या को बढ़ाकर वनस्पति विकास को बढ़ा सकते हैं, जड़ के विकास को उत्तेजित कर सकते हैं और पत्ती के विस्तार को बढ़ावा दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना पोषक तत्वों की उपलब्धता और जल धारण क्षमता में भी सुधार कर सकता है, जिससे जड़ की वृद्धि और पोषक तत्वों की प्राप्ति में सुविधा हो सकती है। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रमोटर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके हार्मोन उत्पादन और सिग्नलिंग को बढ़ावा देने और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाकर पौधों की वनस्पति वृद्धि का समर्थन कर सकता है। फूल खुबा ग्रोथ प्रमोटर में पोषक तत्वों और बायोएक्टिव यौगिकों का मिश्रण होता है, जो पौधों में फूलों की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। अमीनो एसिड की उच्च सांद्रता प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करके फूलों के विकास को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जो फूलों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा समुद्री शैवाल निकालने की उपस्थिति साइटोकिनिन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है, जो कोशिका विभाजन और भेदभाव के नियमन में शामिल पौधों के हार्मोन का एक वर्ग है। साइटोकिनिन पार्श्व कलियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक फूलों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो पौधे के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है
और फूलों के विकास में सहायता कर सकता है। नियमित उपयोग के साथ पौधों में मजबूत और स्वस्थ वनस्पति विकास हो सकता है, जिससे अधिक मजबूत और प्रचुर मात्रा में फूल आ सकते हैं। फलों की गुणवत्ता। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में समुद्री शैवाल निकालने, ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड जैसे फायदेमंद तत्वों के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। ये पोषक तत्व और विकास को बढ़ावा देने वाले यौगिक फल निर्माण सहित पौधे के विकास के विभिन्न पहलुओं का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उचित फल विकास के लिए पौधों द्वारा आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पोटेशियम और फास्फोरस है। पोटेशियम स्वाद, सुगंध और रंग को बढ़ाकर फलों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जबकि फास्फोरस ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्वस्थ फलों के विकास के लिए आवश्यक है। फलों के विकास के लिए अमीनो एसिड भी फायदेमंद होते हैं। एल-ग्लूटामिक एसिड उदाहरण के लिए फल का वजन बढ़ा सकता है, जबकि एल-एस्पार्टिक एसिड इसकी सुगंध में सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त एल-प्रोलाइन फल के आकार और वजन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा समुद्री शैवाल के अर्क में ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन जैसे प्राकृतिक पौधों के विकास हार्मोन होते हैं, जो फलों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रोमोटर पोषक तत्वों और विकास को बढ़ावा देने वाले यौगिकों का एक व्यापक मिश्रण प्रदान करता है, जो स्वस्थ फलों के विकास में सहायता कर सकता है, सुगंध में सुधार कर सकता है और फलों के वजन और आकार को बढ़ा सकता है। बादल या ठंडी जलवायु की स्थिति। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के साथ साथ अन्य लाभकारी घटक जैसे कार्बनिक पदार्थ, एल्गिनिक एसिड और विभिन्न खनिज शामिल है। बादल छाए रहने और ठंडे मौसम के दौरान ये तत्व पौधों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। बेहतर पोषक तत्व ग्रहण, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकते हैं और पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। यह ठंडे मौसम के दौरान विशेष रूप से सहायक हो सकता है, जब धीमी चयापचय गतिविधि के कारण पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में कठिनाई हो सकती है। बड़ी तनाव सहनशीलता। समुद्री शैवाल निकालने में साइटोकिनिन होते हैं, जो पौधों के विकास हार्मोन होते हैं, जो पौधे की तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह पौधे को प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे ठंडे तापमान और बादलों के दिनों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद कर सकता है। पौधों की वृद्धि में वृद्धि। अमीनो एसिड पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें कम रोशनी या कम तापमान की अवधि भी शामिल है। इससे अधिक जोरदार वानस्पतिक विकास हो सकता है, साथ ही साथ फूल और फलों के निर्माण में भी सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रोमोटर चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के दौरान पौधों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलती है। गर्म और शुष्क स्थिति। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर तनाव झेलने की क्षमता में सुधार करके पौधों को गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी मदद कर सकता है। उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क और अमीनो एसिड साइटोकिनिन और ऑक्सिन जैसे पौधे के विकास हार्मोन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, जो पौधे की गर्मी के तनाव और पानी के तनाव को सहन करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। उत्पाद में ह्यूमिक एसिड मिट्टी की नमी प्रतिधारण और जल धारण क्षमता में सुधार कर सकता है, जिससे पौधों पर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम पौधे के जल संतुलन को विनियमित करने और सूखे की अवधि के दौरान उचित पौधे के कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर
खुबा ग्रोथ प्रमोटर गर्म और शुष्क परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि और विकास में मदद कर सकता है, तनाव के प्रभाव को कम कर सकता है और स्वस्थ विकास और उपज को बढ़ावा दे सकता है। तनाव में पौधे। खुबा ग्रोथ प्रमोटर तनावग्रस्त पौधों की कई तरह से मदद करता है। सबसे पहले इसमें पौधे के विकास नियामक होते हैं, जो सूखे, उच्च तापमान और ठंडे मौसम जैसे अजैविक तनावों के लिए पौधों की प्रतिक्रियाओं को संशोधित कर सकते हैं। यह पौधों पर इन तनावों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और पौधों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया पौधों की वृद्धि और उपज में सुधार कर सकते हैं। विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया जड़ के विकास को बढ़ा सकते हैं और मेजबान पौधे की जड़ों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकते हैं, जो पौधों को मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में ऐसे यौगिक भी होते हैं जो पौधों द्वारा एंटीबायोटिक्स और वाष्पशील यौगिकों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो कीटों और रोगजनकों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह तनावग्रस्त पौधों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे कीट और रोगों से क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अलावा यह पौधों की जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो सूखे के तनाव के तहत पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया जड़ों की जल अवशोषण क्षमता में सुधार कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विकास दर में वृद्धि हो सकती है, अंकुर निकल सकते हैं और विभिन्न उत्तेजनाओं और पौधों के रोगजनकों के लिए पौधों की प्रतिक्रिया में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर खुबा ग्रोथ प्रमोटर मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने, सुरक्षात्मक यौगिकों के उत्पादन को बढ़ावा देने और कीटों और रोगजनकों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर तनाव के तहत पौधों के विकास और विकास में मदद कर सकता है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर खुबा मिट्टी कंडीशन खुबा मिट्टी बूस्टर। जैविक उत्पादों का एक साथ उपयोग करने से पौधों की वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हो सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर में समुद्री शैवाल के अर्थ ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है, जो पौधों की वृद्धि को तेज कर सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और उपज बढ़ा सकता है। यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, अमीनो एसिड और हार्मोन प्रदान करता है, जो वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं और समग्र पौधे के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। खुबा सॉयल बूस्टर एक माइक्रोबियल फर्टिलाइजर है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ जैसे कई तरह के लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में मदद कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों में फंसे पोषक तत्वों को छोड़ सकते हैं और पौधों के लिए स्वस्थ मिट्टी का वातावरण बना सकते हैं। यह मिट्टी की संरचना, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी सुधार कर सकता है। खुबा सॉयल कंडीशन कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमिक एसिड और अन्य प्राकृतिक घटकों का मिश्रण है, जो मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता और जल प्रतिधारण में सुधार कर सकता है। यह मिट्टी के कटाव को कम करने, मिट्टी के वातन को बढ़ाने और मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विकास में सहायता करने में भी मदद कर सकता है। जब एक साथ उपयोग किया जाता है तो इन उत्पादों का एक संयुक्त प्रभाव हो सकता है, जो पौधों की वृद्धि और मिट्टी के स्वास्थ्य पर उनके व्यक्तिगत प्रभावों के योग से अधिक होता है। ग्रोथ प्रमोटर पौधों को विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोन प्रदान करता है, जबकि मिट्टी बूस्टर और कंडीशन पौधों की वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता में सुधार करता है। इन उत्पादों के उपयोग से स्वस्थ, अधिक उत्पादक पौधे और समय के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उपयोग, छिड़काव।
2 ग्राम प्रति लीटर मिलाएं। आवश्यकतानुसार हर 15 से 30 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। प्रति बैरल 200 लीटर 400 ग्राम ग्रोथ प्रोमोटर। 20 लीटर के हैंड स्प्रे के लिए 40 ग्राम और 15 लीटर के हैंड स्प्रे के लिए 30 ग्राम। बूंद से सिंचाई 250 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर हर 21 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। 2 ग्राम प्रति लीटर या 200 लीटर प्रति बैरल 400 ग्राम ग्रोथ प्रोमोटर मिलाएं। आधार पर 3 लीटर प्रति बड़े बागवानी संयंत्र का उपयोग करें। 20 उपचार 2.5 ग्राम प्रति लीटर मिलाएं या 200 लीटर के प्रति बैरल 500 ग्राम ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करें। गन्ने के लिए बीजों को 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दें और तुरंत बुवाई कर दें। पौधों के लिए ग्रोथ प्रोमोटर मिश्रण का छिड़काव उन मिट्टी के बिस्तरों पर करें जहां बीज बोए जाने हैं, या बुवाई के तुरंत बाद या अंकुरण के तुरंत बाद। 20 उपचार के लिए आप खुबा सॉइल बूस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त समय लाभकारी परिणामों के लिए इसका प्रयोग सुबह या शाम के समय करें। सीधी धूप में इस्तेमाल न करें। उपयुक्त फसलें सभी फसलें जैसे अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन, फाइबर फसलें, चीनी फसलें, चारा फसलें, विशेष फसलें जैसे कॉफी, चाय, मसाले और औद्योगिक फसलें। सभी फसलें